नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक है उसका नेफ्ट और आरटीजीएस का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म हमारा नेफ्ट और आरटीजीएस का कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपको यहाँ अपनी ब्रांच लिखनी होती है, तो हम अपनी ब्रांच लिख देते हैं। ब्रांच लिखने के बाद आपको अपनी खाते की डिटेल्स लिखनी है जिससे आप पैसा भेजना चाहते हैं। तो हम अपना खाता संख्या लिख देते हैं। यहाँ सबसे पहले हमसे खाता संख्या पूछी गई है। यहाँ पर खाता संख्या लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिख देता हूं। इतना करने के बाद आपको अपना यहाँ 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको अपना पैन नंबर लिखना है, अगर आप 50,000 से ऊपर का लेन देन कर रहे हैं तो, या 50,000 का। अभी हम 50,000 से कम का लेन देन कर रहे हैं इसलिए पैन कार्ड नंबर नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद आपको रुपए लिखने हैं कि आप कितने रुपए भेजना चाहते हैं। यहाँ मैं 1,000 रुपए भेजना चाहता हूँ। फिर एक्सचेंज चार्ज लगता है, आप जब पैसे भेजते हैं नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू तो उसका कुछ चार्ज लगता है। यहाँ हमारा 1,000 रुपए के लिए मैक्सिमम 2 रुपए लगेगा। देन उसके बाद टोटल हो जाएगा 1,002 रुपए। तो आप ऐसे कर दीजिएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है आप जो भुगतान करेंगे वो चेक द्वारा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ चेक नंबर लिखना है। हम अपना चेक नंबर लिख देते हैं। इसके बाद जो चेक पर डेट लिखी हुई है वो भी लिखनी होती है। अगर आप चेक नहीं दे रहे हैं तो एक डेबिट फॉर्म होता है उसको भर के भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद लाभार्थी डिटेल्स यानी बेनिफिशियरी, जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं, जिस भी इंसान के खाते में, उसकी डिटेल लिखनी है। यहाँ उसका खाता नंबर लिखना है, तो हम जल्दी से उसका खाता नंबर लिख देते हैं। खाता नंबर लिखने के बाद उस आदमी का नाम लिखना है। इतना करने के बाद उस इंसान का आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद जो लाभार्थी है उसकी बैंक और शाखा का नाम लिखना है, किस बैंक में आप भेजना चाहते हैं। मैं यहां SBI को भेज रहा हूं और उसकी शाखा लिखनी है। इसके बाद IFSC कोड लिखना है उस ब्रांच का जिसमें आप पैसा भेज रहे हैं। यहां हम IFSC कोड लिख देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहां डेट लिख देनी है और यहां आपने साइन कर देने हैं। जैसे आप ये फॉर्म पूरा भर देंगे उसके बाद जो नीचे का जो हिस्सा है ये आपको काट के बैंक से मिल जाएगा। और यहां पे आपको एक यूनिक ID नंबर मिलता है जिससे आप ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके जो पैसे हैं वो खाते में नहीं पहुंचते हैं तो आप बैंक में जाके पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ अमाउंट लिख के वो देंगे 1,000 रुपए और यहाँ एक नंबर लिख के देते हैं और फिर वो फॉर्म आपको दे देंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है फॉर्म का वो आपको दे देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि नेफ्ट और RTGS का फॉर्म यूनियन बैंक का कैसे भरा जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।